हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किट्टू ड्रीम हाउस। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। गॉड से प्रे करती हूँ आप सबके लिए कि आप सब स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको छोटे पॉट से बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगी ये लेमन का प्लांट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो ये लेमन के प्लांट की मैंने बिग पॉट में ट्रांसप्लांट करने की शूटिंग लास्ट की डाली है। यहाँ पे मेरी पेट इस बटरफ्लाई के साथ खेल रही है और ये बटरफ्लाई बार बार जो है लेमन के प्लांट पर मंडरा रही है। कहते हैं ना, फ्लावरिंग से पहले अगर बटरफ्लाई किसी भी प्लांट पे मंडराती है तो उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग आने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर से ये बटरफ्लाई इसी के ऊपर मंडरा रही है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ ये जो अंडरवेयर का बना हुआ पाउट है, इस पे मैंने आपको दिखाया था नीम की खली वन मुट्ठी डाली थी और फटकरी की डली रखी थी और फिर से कैसे भर गया है ये मिर्ची के साथ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे इस टूटे हुए टब से किस तरीके से मैंने बिग पॉट बनाना है। देख रहे हो आप, बिल्कुल ही टूट गया है, जैसे 7 इंचिस की गहराई रह गई और यहाँ से तो बिल्कुल ही 4 इंचिस ही रह गया क्योंकि यहाँ से टुकड़ा निकल गया है। और इस टुकड़े को भी मैं इसमें ऐसे ही फिट कर दूंगी, इसे किसी चीज़ से चिपका नहीं रही, जस्ट इसमें रख रही हूँ बस ऐसे ही। और यहाँ पे इसमें ऑलरेडी थे ही क्योंकि मैंने पिछले साल इसमें टमाटो लगाए थे, काफ़ी अच्छी टमाटो की हार्वेस्टिंग मैंने इसमें से की थी। और ये धूप के साथ कमज़ोर हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो देखिए मैंने इसमें रख दिए। जैसे बेल बूटे हमारे सूख सड़ जाते हैं, कुछ बारिश में कुछ कटिंग फटिंग निकलती है, गार्डन से निकलती ही रहती है, तो इसको मैं मिट्टी में दबाती रहती हूँ। और ये देखिए, नेट मेरे पास पहले ही थी, जो हम बाहर गली में किसी बेल बूटे को काओ से बचाने के लिए लगाते हैं वही वाली ये नेट है। तो वायर के साथ मैंने इसे बांध दिया है जैसे हम कपड़े को सिलते हैं, और इसमें मैंने फिट कर दिया। इसको देख रहे हो किस तरीके से फिट हो गया, कहीं नहीं जाएगा ये, मिट्टी जब इसमें डालेंगे ये एकदम से दब जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। तो देखिए, इसमें हमने 3-4 इंच इसमें कर दिया है टब में, और 7 इंच इसकी टब की पहले से ही जो है गहराई है। और इसको लगा करके ये 25 इंच गहरा हो गया है पॉट हमारा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैं आटे के पॉली बैग ले रही हूँ, 1 ले रही हूँ 10 kg का और 1 ले रही हूँ 5 kg का। इधर से कटिंग नहीं करूँगी, साइडों से कटिंग करूँगी, एक साइड से कटिंग हुआ होता ही है। तो मुझे इसकी लंबाई चाहिए है, चौड़ाई नहीं चाहिए। चौड़ाई इसके साथ हमने इर्द गिर्द इसके अंदर की साइड लगाना है ताकि इसकी मिट्टी जो है बाहर ना निकले। और इसको चाहे उल्टा लगाएं, सीधा लगाएं, चाहे इसका प्रिंट ऐसे लगा लो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसका प्रिंट जो है बाहर करूँगी, व्हाइट वाला हिस्सा इसके अंदर करूँगी। जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे ये व्हाइट बाहर दिखेगा। और मैं इसको देखिए किस तरीके से लगा रही हूँ, इसका व्हाइट वाला हिस्सा जो है अंदर कर दिया और प्रिंट इसका बाहर कर दिया। तो देखिए 2x2 पॉली बैग इसमें आटे के आ गए हैं और काफ़ी अच्छा, जैसे 20 इंचिस गहराई और 20 इंचिस की चौड़ाई का ये हमारा बिग पॉट बन गया है। देख रहे हो कितना अच्छा सा बन गया है। और काफ़ी अच्छे से मैंने आपको नाप के भी दिखा दिया, 4 फिंगर और 2 गिट्ठ, और बीच में जैसे 1 इंच का गैप छोड़ करके, जैसे कि 10 इंचिस का मेरा गिट होता है और 2 गिट्ठ 5 फिंगर का ये हो गया है। और ये देखिए टुकड़ा इस तरीके से फिट हो गया यहाँ पे, और ये ऐसे पॉलिथीन इसमें लग के काफ़ी अच्छा पॉट बन गया है। देख रहे हो, इसमें अब मैं डालूँगी ये कुछ मिट्टी और फिर ऊपर से डालूँगी इसमें किचन वेस्ट। और ये जो आप देख रहे हो इसमें कार्डबोर्ड वगैरह मैंने काट करके पहले से ही डाला हुआ है, इतने दिन से इसको रखा हुआ था मैंने। इसमें मैंने किचन वेस्ट भी काफ़ी डाल रखा है और काफ़ी इसमें जो है काफ़ी मल्टी सा हो गया है ये मिट्टी का जो मटेरियल है, इसमें किचन वेस्ट भी रला हुआ था और इसमें कार्डबोर्ड भी मैंने इसमें काफ़ी बड़ा डिब्बा जो है फाड़ के डाला था, उसका पॉलीथीन हटा करके इसमें डाल दिया था। और देख रहे हो कितने अच्छे से ये हो गया है कवर, और कितने अच्छे लग रहा है इसमें जो डाल दिया हमने मिट्टी। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ये जो किचन वेस्ट मैं ले रही हूँ, कच्चा ही डाल दें फ्रेंड्स, ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ तक जब तक हमारे लेमन प्लांट की जो रूट्स आएंगी तब तक ये खाद बन चुका होगा। ये देखिए इसमें भी लीफ वगैरह है, जैसे मैंने बैंगन के प्लांट वगैरह की कटिंग शटिंग कुछ की है, और कुछ किचन से जो किचन वेस्ट आता है छिलके वगैरह, इसमें ज़्यादातर बनाना पील या फ्रूट के जो भी पील होते हैं या जो सब्जी वगैरह हम बनाते हैं उनके भी पील होते हैं, लहसुन प्याज सभी होता है तकरीबन, बस उबाला हुआ नहीं होना चाहिए हमारे किचन वेस्ट में। कुछ जैसे सब्जी बनी हुई डाल देते हैं कई लोग, फिर कह देते हैं उसमें कीड़े हो गए, फिर तो उसमें कीड़े होएंगे ही और सड़ जाता है वो,
और जो ये हमारा कच्चा किचन वेस्ट होता है, कीड़े इसमें भी होते हैं, बट वो खाद बनाने वाले कीड़े होते हैं, वो दूसरे वाले कीड़े नहीं होते जो पके हुए खाने में पड़ते हैं। तो देखिए, हमने ऊपर से इस तरीके से मिट्टी डाल देनी बहुत ज़रूरी होती है, मच्छर मक्खी नहीं आते। इतनी सारी मेरे पास मिट्टी पड़ी है, इसे मैं बोरी में भर के डाल लूँगी और इसमें किचन वेस्ट डालती रहूँगी, ऊपर इसमें मिट्टी डालती रहूँगी और कम से कम भी 15 से 20 दिन में कंप्लीट होगा मेरा ये पॉट, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी किचन वेस्ट, लगभग 15 दिन की किचन वेस्ट मैं इसमें खपत कर दूंगी और जो ये मिट्टी है थोड़ी थोड़ी ऊपर छिड़काव करके डालती रहूंगी। जैसे कि ये देखिए, पहले मैंने 2 बार डाल दिया है और ये चौथी पांचवीं बार शायद मैं इसमें किचन वेस्ट डाल रही हूँ, पांचवीं बार डाल रही हूँ, आज पांचवा दिन है। और ऊपर से फिर मैं इसके ऐसे ही मिट्टी डाल दूंगी ताकि मच्छर मक्खी ना बैठें, और मेरी गार्डन में कोई मच्छर मक्खी नहीं होता, इतना कितना अच्छा होता है, क्योंकि हम जो इसमें नीम ऑयल वगैरह का छिड़काव कर देते हैं अपनी गार्डन में प्लांट्स वगैरह पे, तो मच्छर तो मतलब ही नहीं। और मैंने नीम भी लगा रखा है और कड़ी पत्ता भी लगाया हुआ है, इनकी वजह से भी मच्छर वगैरह नहीं आते। जो हमने गेंदे के प्लांट लगाए होते हैं इनसे भी मच्छर मक्खी वगैरह नहीं आती। और देखिए, इस तरीके से मैं इसमें हर रोज़ किचन वेस्ट डालती रहूँगी और इसी तरीके से मिट्टी। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके कि किस तरीके से मैंने ट्रांसप्लांट करना है। 15 डेज के बाद मैं इस पॉट पर आ रही हूँ और आप देख रहे हो किस तरीके से सारा एडजस्ट कर लिया इसने, किचन वेस्ट और मिट्टी भी, अभी आधी मिट्टी मैंने इसमें एडजस्ट कर दी है। और कितने इसमें लीफ वगैरह जो भी झाड़ू लगाती हूँ, जैसे अपनी गार्डन में जो लीफ मिट्टी वगैरह जो आती सब इसी में डाल रही थी। देखिए, कुछ अमरूद कटिंग हुए और ये करेले बनाए थे मैंने कल परसों बनाए थे, और देखिए कितने अच्छे से इसमें 3 दिन में अंकुरित हो गए करेले के बीज। और ये मैंने अपनी बेल से ही, जो तोरी की बेल है उससे कितने सारे लीफ हार्वेस्ट कर लिए हैं, मतलब सॉरी कट कर लिए हैं, हार्वेस्ट की थी तोरियां वगैरह, और इसके लीफ भी मैंने कट करके इसमें देखिए सीजर के साथ इस तरीके से कटिंग करके डाल देने। ऐसे भी डाल सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है कटिंग करना, ऐसे ही डाल दीजिए, ये तो एकदम से मर जाते हैं। जैसे हम किचन वेस्ट डालते हैं उसमें एकदम से गल जाते हैं, उसके साथ साथ एकदम से ये मल्च से हो जाते हैं मिट्टी के साथ। तो ऊपर से हमने मिट्टी डाल दी, देखिए ये मैं आज का ताज़ा आपको दिखा रही हूँ, 15 डे से मैं इसमें किचन वेस्ट डाल रही हूँ और इसमें बनाना पील, ये जैसे तोरी बनाई थी मैंने, तोरी के भी इसमें पील वगैरह है और ये लीफ वगैरह इसमें मैं इसमें ही साइड में एडजस्ट कर दूंगी। जैसे जो मैं लगाऊंगी इसमें प्लांट, उसकी साइडों में जो जगह बचेगी, क्योंकि वो छोटे पॉट में लगा, आप देख रहे हो मेरे पीछे रखा हुआ है ये लेमन प्लांट, और इसके ऊपर कुछ मैं मिट्टी फिर से डाल देती हूँ। मिट्टी डाल के इसके ऊपर आज ही मैं इसमें आपको ट्रांसप्लांट करके दिखाऊंगी, वो छोटे पॉट से 15x15 के पॉट में लगाया हुआ था मैंने। और ये मिट्टी में मैं हाथ डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कई लोग तो घिना करते हैं और कहते हैं हमारी बॉडी की कई इसमें जो विटामिन होते हैं मिट्टी से हमें मिल जाते हैं, और कितनी भुरभुरी मिट्टी इसमें हो रखी है थैले में, इसमें बारिश से ये गल भी गई थी और किचन वेस्ट वगैरह इसमें डाला हुआ था मिट्टी में जो बोरी में भी पड़ी है। और ये हमारा तैयार हो गया है पॉट। तो चलो अब हम दिखाते हैं आपको किस तरीके से मैंने इसको ट्रांसप्लांट करना। आप देख रहे हो यहाँ पे इसके लीफ कुछ मुड़ने से लगे थे, कुछ मरोड़ी ऐसा हो रहा था लीफ को, क्यों? क्योंकि इनको जगह नहीं मिल रही आगे बढ़ने को, इसके रूट्स जो हैं एकदम से वही एक जगह ही इकट्ठे हो गए। मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी है इसकी, आराम से इसको मैं निकाल लूंगी, इसमें से कोई जोर नहीं लगेगा, कोई पॉट नहीं मुझे तोड़ना पड़ेगा। आप देख रहे हो व्हाइट सीमेंट से बनाया हुआ स्वेटर का ये पॉट है, मैंने पहले भी आपके साथ बात की है इसके बारे में कि ये मैंने अपने स्वेटर से पॉट बनाया हुआ, हाफ स्वेटर जो होती है उस स्वेटर का मैंने ये बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखिए मैं जगह बना देती हूँ क्योंकि ये काफी अच्छा होएगा इसके अंदर से, जैसे 15 इंच 14 इंच तो लगभग होएगा जो जड़ें इकट्ठी हुई होंगी। तो ज़्यादातर मैं बीच में ये सेंटर में बनाना पील कर रही हूँ ताकि इसकी जड़ों को जो है इससे पोषक तत्व मिल जाएं। और चलो अब हम इसको निकालते हैं, देखते हैं किस तरीके से निकलेगा। मिट्टी मैंने आपको दिखाई है इसकी भुरभुरी है और इसे हम इस तरीके से डैब डैब कर लेंगे ताकि हमारा जो है पॉट मिट्टी को छोड़ दे। और इस तरीके से आप नीचे इसे लटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ऐसे डैब डैब करके, और अब इसकी बस इसको यहाँ से जो है पकड़ लें इस प्लांट को, और हल्का सा इसको इस तरीके से टेढ़ा करके इसी के ऊपर मैं कर रही हूँ। देखिए हल्का सा बाहर ला रही हूँ, देखिए कितने आराम से ये निकल रहा है, आप देख रहे हो कितने अच्छे से, जैसे 12-13 इंच इसकी जड़ का गुच्छा सा बन गया है, इसको आगे जगह नहीं मिल रही थी। और ये पास से दिखा रही हूँ इसके लीफ में, आपको देखिए लीफ कुछ कुछ बीच बीच में कोई कोई लीफ इसका मुड़ने सा लग गया था, और देख रहे हो कैसे गुच्छा सा बन गया। और जो इसमें
ठीकरी लगी है, मैं इसे निकालूंगी नहीं, इसे एज इट इज रख दूंगी। आप देख रहे हो किस तरीके से इसकी जड़ों को आगे जगह ही नहीं मिली थी बढ़ने की, इसलिए इसके लीफ जो है मुड़ने लगे थे। अगर आपका भी कोई प्लांट आगे ग्रोथ करने से साफ दिख रहा है आपको कर नहीं रहा, तो ये देखिए 15x15 का है ये पॉट, इसमें ये लगा हुआ था। पहले मैंने जैसे मिल्क पॉच में इसको ग्रो किया था और फिर उसके बाद इसमें लगाया था 15x15 के पॉट में, और फिर मैं इसमें कर रही हूँ। और जो मैं आपको बोल रही थी बचे हुए लीफ या बेल वगैरह, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बेल भी, ये क्या है फ्रेंड्स, जो हमारी तोरी की बेल है ना, जिसपे फ्लावर आते हैं झड़ने वाले, जो मेल फ्लावर होते हैं उसकी काफी लंबी लंबी सी डंडी सी होती है, वो वाली मैंने कटिंग की है। और देखिए जितने भी ये लीफ वगैरह पड़े थे मैंने इसके इर्द गिर्द भर देना है, ऊपर से इसके मिट्टी डाल देनी है। तो काफी अच्छा बड़ा पॉट हो गया ये, इसमें काफी अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग आने वाली है। आप देख रहे हो कि अब ये इतना सा है, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी शूटिंग दिखाई थी कि काफी हेल्दी हो गया है, 15 दिन के बाद की शूटिंग आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी, अभी लास्ट में भी आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ वही वाली शूटिंग कि ये 15 दिन में कितना हेल्दी हो गया है इसको, क्योंकि इसकी रूट्स को है जगह मिल गई है काफी अच्छा फैलने फूलने के लिए। तो देखिए हमने इस तरीके से ये सारे लीफ जो है इधर उधर इसके कर दिए, ताकि इसके जो रूट्स हैं वो डिस्टर्ब ना होए, और ऊपर से हम ये इसमें मिट्टी डाल देंगे। देखिए इस तरीके से मिट्टी से हमने इसे जरूर कवर करना, और इसमें जो है गोबर खाद ही कह लीजिए, जो उपला होता है ना, उपला फोड़ के डालना, वो मैंने इसमें डाल के जस्ट पहले ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने सारी मिट्टी इस पॉट में ये खपत कर देनी है, और कितना कूड़ा कचरा इस पॉट ने ले लिया है, 15 दिन का किचन वेस्ट ले लिया है। किचन वेस्ट भी तकरीबन काफ़ी सारा हमारा निकलता है, 2 kg का जो है पॉली बैग पॉलोथीन जो है भर जाता है, डस्टबिन में हम लगा देते हैं, वो पॉलोथीन 2 kg का हर रोज किचन वेस्ट में भर जाता है, किचन में वेस्ट से। तो देख रहे हो यहाँ पे कितना बिग पॉट बन गया। अगर आप इस साइज के पॉट को खरीदने जाते हैं तो कम से कम भी 1500-2000 का आपको मिलेगा। और ये वाले में भी मैं ऐसी कुछ डाल दूंगी फिर से, और फिर से आपको दिखा रही हूँ लास्ट शूटिंग की कितना हेल्दी ये पॉट हो गया है हमारा प्लांट लेमन का, जिसपे ये बटरफ्लाई घूम रही है। आप देख रहे हो एकदम से 15 दिन में काफी ग्रोथ निकाल दी, लगभग 1 महीने में ये वीडियो हमारी कंप्लीट हुई है। 15 दिन मैंने उसको तैयार किया पॉट को, और 15 दिन के बाद की मैं आपको ये शूटिंग दिखा रही हूँ कि कितना हेल्दी हो गया ये हमारा, देखिए जो लेमन प्लांट है। यहाँ पे मैंने कुछ कूड़ा कचरा सा फिर से निकाला था आज फिर, और कुछ इस तरीके से हमारी गार्डन से कूड़ा कचरा निकलता ही रहता है। तो ये बटरफ्लाई का घूमने का मतलब है कि इस पे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आने वाली है बहुत जल्दी। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें न्यू फ्रेंड्स जो चैनल पे न्यू आते हैं, और मुझे अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स इसके बारे में मेरे साथ बात करते थे कि हमारा प्लांट जो है मरने लग रहा है, कुछ डंडी सी रह गई है, और मैंने उनको कमेंट में बोला भी था कि आप बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें। तो इस तरीके से आपने ट्रांसप्लांट करना है बड़े पॉट में, डिस्टर्ब नहीं होएगा हमारा प्लांट्स, बिल्कुल एकदम से ओके रहेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। इस तरीके से आप बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट कर दें, और किसी जुगाड़ से भी आप बड़ा पॉट बना सकते हैं, परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो बैलेंस में अपना गार्डन चलाती हूं, तो आप भी अपना गार्डन जीरो बैलेंस में चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपका वेट करूँगी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। क्या आपको लेकर आऊंगी वीडियो में देखते हैं।